का अदालत का सबक पर सदाकत का शजाअत का अदालत का दिया जाएगा काम तुझसे दुनिया की अमानत का. द थर्ड एंड द लास्ट कंपोनेंट ऑफ आवर प्रोग्राम इज स्पीच फॉर दैट माई कॉल वॉज शाइस्ता मंजूर फ्रॉम क्लास 9th. प्लीज कम ऑन द डायस. प्रिंसिपल साहब, उसातिज़ा किराम, प्यारे भाइयों और बहनों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु. मेरा जो मौज़ू है इल्म, अल्लाह ताला कुरान शरीफ में इरशाद फरमाते हैं, इक्रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लमा बिल क़ल्ब अल्लमा लिल्इंसान मा लम यअलम. भाइयों और बहनों, किसी शायर ने क्या खूब कहा है, इल्म वो दौलत है जो लुटती नहीं, खर्च करने से कभी घटती नहीं. भाइयों और बहनों, रोशनी को पसंद नहीं शायद तारीख में मोहिस्ताब, अंधेरे कमरे में कम कमरे किसी अच्छे नहीं लगते. ठीक यही बात इल्म पर सादिक आती है, वो कौन सी चीज है जिसने आदम अलैहिस्सलाम को फरिश्तों से अफजल बना दिया. वो कैसी ताकत है जो इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाई हुई है. जी हाँ, वो है इल्म. भाइयों और बहनों, हम मुसलमान हैं, अल्लाह और इसके रसूल पर ईमान रखते हैं. वाकई यह है कि अगर हम इल्म नहीं रखते तो हम मुसलमान और जाहिल रहे, मुसलमान और जाहिल होने हो नहीं सकता. अल्लाह की किताब में इल्म की अजमत जगह जगह बयां की गई है. अजीज भाइयों और बहनों, इल्म से क्या मुराद है, क्या दुनियावी इल्म या आखरवी इल्म. वाकई यह है कि कोई भी इल्म हो, इंसान इल्म ही से कमाल पाता है. अगर आप दीनी इल्म हासिल करेंगे तो आखरत की कामयाबी आपके कदम चूमेगी. अगर आप दुनियावी इल्म हासिल करेंगे तो दुनिया में कामयाब रहोगे. भाइयों और बहनों, अगर आप अकल वाले हैं, अगर आप में कुछ भी दानिशमंदी है तो आप इल्म के लिए दौड़े, खुसूसन दीनी इल्म हासिल करें, तकलीफ उठाए और दीगर जमतीन बर्दाश्त करे, फिर भी इल्म हासिल करे, इसी में कामयाबी है. दुआ है कि अल्लाह ताला हमें और आपको इल्म के हुसूल के लिए दुआ है कि अल्लाह ताला हमें और आपको इल्म के हुसूल की, खुसूसन इल्म दीन के हुसूल की तौफीक अता फरमाए. आमीन. वाखिर दुआ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन. बाप का इल्म बेटे को अगर असगर हो, बाप का इल्म बेटे को अगर असगर हो, फिर फसल काबिल मीरात कदर करो. फी अमानिल्लाह.